टाइप्स ऑफ साइज़ और फिजिकल एरिया जहाँ तक वो कवरेज देते हैं कि लहताब से देखा जाए तो चार टाइप्स के नेटवर्क हैं लैन वैन मैन और आखिरी थोड़ा फ़र्क है नाम में वीपीएन कुछ इसको पैन भी कहते हैं इनसे बनता है लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और आखिरी क्या है विचुअल प्राइवेट नेटवर्क या जिसको प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है लैन लिमिटेड फ़िज़िकल एरिया में होता है सिर्फ एक या कुछ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में होगा ये शेयर करता है एप्लीकेशन प्रिंटर्स इंटरनेट एट्सट्रा इसकी करेक्टर्स आपने लिखनी हो तो ये स्मॉल फिजिकल एरिया में होता है हाई स्पीड वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करता है बहुत रिलायबल नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन एरर्स ना होने के बराबर होते हैं इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वैन लार्ज फिज़िकल एरिया कवर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी साइट्स को कनेक्ट करता है जो कि दूसरी सिटी दूसरी कंट्री या दूसरे कॉन्टिनेंट पे ही क्यों ना हो इनको लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स भी कहा जाता है क्योंकि ये नेटवर्क्स भी इन लॉन्ग हॉल ट्रक्स की तरह पूरी दुनिया में पहुँचते हैं ये टू या टू से ज़्यादा लेंस के कनेक्ट होने से बनता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स में है कि ये लार्ज फिजिकल एरिया कवर करता है वर्ल्ड वाइड हो सकता है जैसे कि इंटरनेट स्पीड अलपत्ता लैन से थोड़ी स्लो है पब्लिक नेटवर्क लीज लाइंस या सेटेलाइट्स को यूज़ करके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कभी कभी कम्युनिकेशन एरर्स भी आ सकते हैं मैन का कवरेज एरिया स्पैन करता है कुछ बिल्डिंग्स या बड़े कैंपस से लेकर पूरे पूरे शहर तक सिटी तक ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है ये कुछ लैंड्स को भी हाई स्पीड कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट कर सकता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये लैन से लार्ज है और वैन से स्मॉल 5 टू 50 किलोमीटर डाया का एरिया में कवरेज देता है यानी जो एक सिटी बन जाती है तकरीबन ट्रांसमिशन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स या माइक्रोवेव यूज़ करता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है और इसका मेन यूज़ टेलीफोन कंपनीज आई यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल टी वाले यूज़ कर रहे हैं वी आपको प्रोवाइड करता है रिमोट एक्सेस यानी आप कहीं दूर के इलाके जाकर भी अपने नेटवर्क कर तक रसाई हासिल कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं ये बहुत सस्ता कम्युनिकेशन सोल्यूशन है कि आपने अपना नेटवर्क ले नहीं किया बल्कि ऑलरेडी अवेलेबल पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करना है जैसा कि इंटरनेट और बस थोड़ी सी पेमेंट की इसलिए इसका नाम विचुअल मतलब कोई फिजिकल नेटवर्क नहीं बनाया हमने इसकी करेक्टरिस्टिक में है ये पब्लिक नेटवर्क यूज़ करता है और सेफ एंड सिक्योर रिमोट एक्सेस देता है इनेबल करता है फाइल शेयरिंग और वीडियो शेयरिंग और प्रोवाइड करता है चीप कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस